ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और आज एक ऐसा विषय लिया है जिस विषय में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, और पिछले 4-5 दिनों में मैंने जितनी भी कुंडलियाँ देखी है उसमें बहुत लोगों ने मुझे ये प्रश्न किया कि गुरु जी, क्या अलग से पितृदोष है हमारी कुंडली में? और ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है और है कि पितृदोष है हमारी कुंडली में या पितरों से जुड़ा हुआ कोई भी दोष है, जैसे भ्रातृदोष भी होता है, मातृदोष होता है, स्त्री दोष आदि होता है, श्रापित दोष आदि होता है, तो वो पता कैसे चलेगा कि पितृदोष है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बहुत ही लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि पितृदोष अलग होता है और कुंडली में जैसे श्रापित दोष है, चांडव दोष है, ग्रहण दोष आदि दोष है वो अलग होते हैं। तो क्या पितृदोष और ये सारे दोष अलग होते हैं? क्या कुंडली में पितृदोष है कि नहीं है, वो हमें पता कैसे चलेगा? बहुत ही समझने लायक यह विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अवश्य देखिएगा ताकि आपके मन में भी इसी विषय या इसी प्रश्न का कोई संदेह है तो उसका समाधान आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि किसी की भी कुंडली में राहु चंद्र का ग्रहण दोष है, या चंद्र केतु का ग्रहण दोष है, शनि राहु का श्रापित दोष है, या शनि केतु का श्रापित दोष है, गुरु राहु का चांडल योग है या दोष है, या गुरु केतु का चांडल दोष है, सूर्य केतु का ग्रहण दोष है या फिर सूर्य राहु का ग्रहण दोष है, मंगल शनि का ज्वालामुखी योग है, या फिर जैसे मान लीजिए कि मंगल सूर्य का अंगारक योग आदि है। तो ये जो सारे दोष होते हैं, खास करके सूर्य मंगल के विषय में मैं सिर्फ अंगारक योग उसे कहा जाता है इसलिए मैंने प्रयोग किया, लेकिन उसको पितृदोष में समावेश अधिकतर नहीं किया जाता है, क्योंकि सूर्य मंगल कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए भले ही उग्र ग्रह है, अंगारक योग बनता है, लेकिन वो मित्र ग्रह है। तो इसके अलावा जितने भी मैंने योग या दोष आपको बताए, तो उसी दोषों को पितृदोष दूसरी भाषा में, दूसरे शब्द में उसी को पितृदोष कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी मैंने दोष बोले, चाहे वो शनि राहु है, चाहे वो शनि केतु है, चाहे वो चंद्र राहु है, चाहे वो चंद्र केतु है, चाहे वो शनि मंगल है, चाहे वो गुरु राहु है, चाहे वो गुरु केतु है, भले ही इन दोषों का अलग से नाम ज्योतिष शास्त्र में दिया है, जैसे चांडाल योग हो, ग्रहण दोष हो, श्रापित दोष हो, या बहुत विभिन्न प्रकार के जितने भी दोष या योग आदि है, तो उनका ही दूसरा जो शब्द प्रयोग किया जाता है इन दोषों के लिए वो पितृदोष ही है। पितृदोष अलग से होना और ये सारे दोष अलग से होना ये नहीं है। पितृदोष नाम का जन्म कुंडली से अलग प्रकार से कोई दोष होना या शास्त्रों में अलग प्रकार से दोष बताया गया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों एक ही है। जब इसके निवारण की बात आती है, ये ध्यान से सुनिएगा कि जब इसके निवारण की बात आती है तो अवश्य यह सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी की भी कुंडली में शनि राहु या शनि केतु का श्रापित दोष है और वो अवश्य इसका फल भुगतते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि मान लीजिए किसी का शनि, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहूं कि किसी का जो शनि है वो 22 डिग्री का है, केतु 1 या 2 डिग्री का है, तो मतलब 21 से 22 डिग्री का अंतर है, तो वो श्रापित दोष से ज्यादा पीड़ित नहीं होगे, अर्थात पितृदोष से भी ज्यादा पीड़ित नहीं होगे, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन मानिए किसी की कुंडली में शनि 22 डिग्री का है, केतु भी 15 से लेकर 16, 17, 18, 19, 21 या 22, 23, 24, 25, मतलब डिग्री वाइज भी वो दोनों ग्रह युति में नजदीक है, तो वो प्रबल श्रापित दोष और पितृदोष कहा जाएगा। अब ये जो श्रापित दोष है या चांडाल योग है या जितने भी ये ग्रहण दोष आदि है, अब जब तक उसको आप रोकेंगे नहीं ना, जब तक उसको आप स्टॉप नहीं करेंगे, वो आने वाली दर पीढ़ी आगे बढ़ता ही जाएगा। और ये अगर आपको खुद को भी अगर खुद से ये चीज देखनी है ना कि चाहे कोई, चलो ठीक है, ज्योतिष में बिलीव करता है, कोई नहीं भी करता है, कोई बात नहीं, जो करता है उनको तो अनुभव जीवन में हुए होंगे तभी वो करते होंगे। अब जिनको अनुभव नहीं हुआ है उनको मैं सामने से ये चैलेंज करता हूं
कि मान लीजिए आपकी कुंडली में ऐसी कोई स्थिति है, कोई ग्रहों की युति की, चाहे वो सूर्य मंगल अंगारक योग हो, चाहे वो शनि मंगल ज्वालामुखी योग हो, चाहे वो गुरु राहु गुरु केतु हो, चाहे वो शनि राहु शनि केतु हो, चाहे वो चंद्र राहु या चंद्र केतु हो, अवश्य आपके संतानों की कुंडली में इसमें से कोई दोष होगा होगा होगा। और मैंने तो वो कुंडली आपकी देखी नहीं है, आप स्वयं भी वो संशोधन कीजिए, तब तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ सही बात है कि वो दोष अगर आप में है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपके माता पिता में होगा, शायद उनको पता नहीं होगा, शायद उन्होंने निवारण नहीं करवाया होगा, देश काल समय सही होगा परिस्थिति अनुसार, तो वो आप में आया। अभी आप नहीं करवाओगे, करंट जो प्रेजेंट टाइम है आप वो भुगत रहे हो, समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। अगर आपने भी ये स्टॉप नहीं किया, आपके बच्चों में आएगा, ऑलरेडी आपके बच्चे है, अवश्य आप अपने मतलब मान लीजिए कि किसी की एक संतान है या दो संतान है, उनकी कुंडली आप सामने अपने आप सामने रखकर बैठिए, और पति पत्नी आप दोनों अपनी कुंडली सामने रखकर बैठिए, फिर आप दोनों की कुंडली में जो भी युतियां है ना वो अपनी संतानों की कुंडली में देखिए, अवश्य वो युति, वो श्रापित दोष, वो ग्रहण दोष, वो चांडाल दोष होगा ही होगा। और मैं ये 99.99% आपको गारंटी के साथ कहता हूं। अब जब तक आप ये उसका स्टॉप नहीं करवाओगे, उसको मतलब इस दोषों का निवारण नहीं करवाओगे, ये आगे बढ़ता जाएगा। जैसे विज्ञान भी कुछ रोगों को मानता है ना कि चलो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, मतलब बहुत सारे ऐसे डिसीज है, वो पूछते हैं ना कि आपके परिवार में किसी को था, फिर अगर था तो कहते हैं कि यस, नहीं था तो कहते हैं नहीं, तो वो इसीलिए पूछते हैं क्योंकि पारिवारिक अगर ये चलता आ रहा है तो उस प्रकार से उसकी ट्रीटमेंट होगी, अगर नहीं है ऐसे पहली बार हो रहा है तो ट्रीटमेंट उस प्रकार से। ज्योतिष शास्त्र में भी इन दोषों का निवारण ऐसे ही होता है, अगर इसको आप स्टॉप नहीं करोगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा, बस इसका निवारण प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब जो मुख्य प्रश्न, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फिर से मैं आपको कहता हूं, पितृ दोष नामक दोष कुंडली में अलग से नहीं होता है, वो शनि राहु की युति को पितृदोषी कहा जाता है, शनि मंगल की युति को भी पितृदोषी कहा जाता है, शनि केतु की युति को भी पितृदोषी कहा जाता है, चंद्र राहु की युति को भी पितृदोषी कहा जाएगा, चंद्र केतु की युति को भी पितृदोषी कहा जाएगा। और जैसे अरिष्ट ग्रहों के साथ खास करके सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है, सूर्य और अधिकतर चंद्र जब पीड़ित रहता है, जैसे राहु के साथ, केतु के साथ या अन्य पाप ग्रहों के साथ, जैसे विष योग में शनि के साथ होता है, तब मान लीजिए प्रबल पितृदोष है, क्योंकि सूर्य अगर शनि के साथ है, सूर्य अगर अमावस्या में जैसे चंद्र के साथ होता है तो अमावस्या में जन्म होता है, वैसे ही सूर्य अगर राहु के साथ है तो घर में पुरुषों को ज्यादा अधिक पीड़ाएं होगी या पुरुषों से संबंधित पीड़ाएं रहती है। अगर चंद्र दूषित है तो माता स्त्री पत्नी पुत्री या मन या मानसिक अशांति का वातावरण हमेशा रहता है, सदैव रहता है। तो ये जो सारे दोष बताए, सारी ग्रहों की युतियां जो मैंने आपको बताई, उसी की परिभाषा में उसका दूसरा अर्थ होता है पितृदोष। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर किसी की कुंडली देखकर किसी विद्वान ज्योतिष ने, या मान लीजिए कि किसी ने आपको ये कहा कि आपकी कुंडली में शनि राहु का श्रापित दोष है, तो वो श्रापित दोष है तो वो उसका नाम है ही, क्योंकि आप कोई श्राप भुगत रहे हो, चाहे इस जन्म का हो, चाहे पिछले जन्म का या किसी और जन्म का, लेकिन उसी को दूसरी भाषा में पितृदोष कहा जाता है। तो जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो या जब भी कोई आपको ये कहे कि आपकी कुंडली में श्रापित दोष है, तो आपके माइंड में ही तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अगर श्रापित दोष है तो इसका मतलब है कि पितृदोष हुआ। दोनों का जो निवारण होता है वो डिफरेंट वे में होता है, शनि राहु का या शनि केतु या जो भी ग्रह की युति की वजह से आपको पितृदोष भुगतना पड़ रहा है, तो उन ग्रहों के प्रॉपर मंत्र जाप करवाइए, उसका दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन भोजन आदि करवाइए, तो वो जो दोष है ग्रहों की युतियों की वजह से या श्रापित दोष है वो उसका निवारण हो गया। श्रापित दोष जिसकी वजह से है, श्रापित दोष की वजह से पितरों को जो दिक्कत हो रही है या पितरों की वजह से जो हम जिसे पितृदोष कहते हैं उसका निवारण करना है, तो जैसे पितृ स्तोत्र है, विष्णु सहस्र पाठ है, और उसका सचोट और एकदम स्पष्ट उपाय है नारायण बलि आदि है या पंच बलि आदि है, वो करवाइए तो पितृदोष का निवारण हो गया। और इस साइड शनि राहु शनि केतु, चंद्र राहु चंद्र केतु, सूर्य शनि, शनि मंगल या शनि चंद्र, इसका भी निवारण हो गया।
तो कहने का तात्पर्य है जो युति है उन ग्रहों के जाप करवाइए और उसी युति को दूसरे शब्द में या दूसरे स्वरूप में पितृदोष कहा जाता है तो उसका निवारण करवाइए। और ये सारी चीजें ऐसी है वंस इन अ लाइफ एक ही बार करवाने की जरूरत है, खास करके जो ग्रहों की युतियों से शापित दोष आदि का निवारण है वो एक ही बार करना है, वो बार बार करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, पितरों के लिए नारायण बलि चाहे आप एक साल में एक बार करवाइए, दो साल में एक बार, तीन चार साल में एक बार करवाइए, क्योंकि वो पितरों की प्रसन्नता के लिए है, पितरों को खुश रखने के लिए है। और पितर खुश तो परिवार खुश, पितर दुखी तो परिवार भी दुखी, ये भी सदैव याद रखिएगा। तो ये जो कंफ्यूजन है वो कभी कंफ्यूज मत होइए। पितृदोष अलग से कोई नाम का दोष नहीं है, कुंडली के अंदर जो ग्रहों के दोष है उसी की दूसरी परिभाषा है पितृदोष, जिसे हम कहते हैं श्रापित दोष, विषयोग, कैमंद्रुम योग, ज्वालामुखी योग, चांडाल योग आदि। तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि शायद आपके मन में जो संदेह था वो संदेह दूर हो गया। फिर इसके अलग से सरल टोटके है, सरल उपाय आदि बहुत सारे है, लेकिन जो पिछले 5-6 दिन में मैंने ये अनुभव किया है बहुत सारे लोगों की जैसे कुंडली देखी और उन लोगों को भी वही कंफ्यूजन था कि वो बोल रहे थे कि गुरुदेव हमें किसी ने बोला है कि आपको पितृदोष है, तो उनको ही मैं ये कहता था कि आपकी कुंडली में शनि राहु का श्रापित दोष है, तो वो समझते थे कि श्रापित दोष अलग है पितृदोष अलग है, लेकिन वो दोनों एक ही होता है, वो दोष अलग नहीं है, उसका निवारण अलग होता है लेकिन दोष वो दोनों एक ही है। तो इसका अवश्य ध्यान रखिएगा कि पितृदोष अलग नहीं है, बाकी सारे दोष अलग नहीं है, दोनों के सिर्फ निवारण अलग है। ये बहुत ही मुख्य विषय था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही समझने लायक है। अवश्य मैं अपेक्षा रखता हूं कि आपको यह विषय वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो अवश्य वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक साझा कीजिएगा ताकि सबको सही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सके। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का सहृदय धन्यवाद। ओम गणेश, हर हर महादेव।